तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर के रामगंज में कर्फ्यू लगा रखा है। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामनवमी के अवसर पर जयपुर कमिश्नरेट के निर्भया स्क्वाड ने भी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान स्क्वाड का यह फ्लैग मार्च कमिश्नरेट से शुरू होकर चांदपोल, छोटी चौपड़, रामगंज समेत परकोटे के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचा। वहीं 100 बाइक पर सवार 200 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के विभिन्न स्थानों की निगरानी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की। महिला स्क्वाड की जो ये निर्भया स्क्वाड की टीम है, इसमें लगभग 200 हमारे पास लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, जो कि मार्शल आर्ट और रिवॉल्वर और सारे हथियार इत्यादि चलाने में दक्ष हैं। इन लोगों को हमने स्मार्ट कॉप बनाया है जो कि खास तौर पर महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। ये पूरे जयपुर में तैनात हैं और पूरे जयपुर में लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। ये लोग न केवल घर घर जो जो भूखे हैं उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं, जो वृद्ध हैं वृद्धाश्रम में जा रही हैं और वहां जाकर उनसे कुशल क्षेम पूछने के साथ साथ ये भी कर रही हैं कि उनको अगर कहीं दवाइयों की ज़रूरत है या उन्हें किसी भी प्रकार की ज़रूरत है मदद की, तो उन वृद्धाश्रम में जाकर उनकी मदद भी कर रही हैं। कर्फ्यू वाले एरिया में ये लोग फ्लैग मार्च करके संदेश देंगी कि हमने ली है जिम्मेदारी, हमने लिए है आपकी जिम्मेदारी, बस आप लोग अपना ख्याल रखना, हर जरूरतमंद के घर पे पहुंचेगी ये वर्दी, बस आप लोग घर से बाहर मत निकलना।